गजब करते हैं। इस मौके तो मैं चरण से मतदाताओं से जोर अपील करती हूँ, वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाए। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। तो यही मेरी दरखास्त अपील है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा, आम चर्चा है कि जो ये चुनाव, जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है, आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश में जनहित में ठीक नहीं है। इसलिए मेरी सभी पार्टियों को ये कहना है कि उनको देश और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही हैं इस बार बहुजन समाज पार्टी के लिए? देखो ऐसा है, अभी तो वोट पड़ रहा है पांचवे चरण का, अभी दो चरण और बचे हुए हैं, तो वोट पड़ जाने तो जब रिजल्ट आ जाएगा, ये जो भाजपा 400 पार का दावा कर रही है, जब रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जो भाजपा 400 पार का दावा कर रही है मैम, आप इसको कैसे देखती हैं? देखो हर पार्टी अपना दावा करती है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें। इंडिया इंडिया गठबंधन लगातार ये कह रहा है कि हम लोग बढ़त की ओर बढ़ रहे हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या चीज? इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी ये तो पिछली बार भी बोल रहे थे जब पार्लियामेंट का, मैंने अभी जैसे 23 तारीख और अगले दिन 24 तारीख को फिर मैं पंजाब भी जा रही हूँ, ऐसा तो मैंने ये महसूस किया है, मैं अपनी पार्टी का बता रही हूँ, और अगले दिन 24 तारीख को फिर मैं पंजाब भी जा रही हूँ, ऐसा तो मैंने ये महसूस किया है, मैं अपनी पार्टी का बता रही हूँ कि लोगों में काफी जोश है, और अकेले यूपी में नहीं, यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है, और इस बार अच्छा रिजल्ट बदलाव होगा। मुझे तो लग रहा है इस बार जरूर बदलाव होगा, क्योंकि जो जनता है, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जनता कुछ साइलेंट सी है, ज्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं रही है, वो ये सब देख रही है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, आकाश आवाज बनाया गया तो बड़ा, मैं आपको हंगामा किया, आपको क्या लगता है कि क्या किसी दबाव में हटाया गया? देखो ऐसा है, इसके बारे में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ, वो ये सब देख रही है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, आकाश आनंद को हटाया गया तो बड़ा विपक्ष ने हंगामा किया, आपको क्या लगता है कि क्या किसी दबाव में हटाया गया या आगे के लिए? इसके बारे में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। नहीं, भाजपा के जो वो लोग हैं उनका कहना ये है कि देखो ऐसा, इसके बारे में कौन क्या कह रहा है जी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, इस संबंध में मैं ट्वीट कर चुकी हूँ, और पूछे। थैंक यू मैम, थैंक यू। को सुन रहे थे, मायावती ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता से वोट करने की अपील की है, और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिव्रत जुड़े हुए हैं, तमाम जानकारियां